मैं बनाने जा रहा हूँ आज मैं पिज्ज़ा। किचन हो गया है पूरा मैस। पिज्ज़ा के लिए मैंने यहाँ पे लिया है जो है मेरा कैप्सिकन, गाजर, कांदा, टमाटर और ये जो दूसरा इंग्रेडिएंट वो चिकन को ग्रेट कर दी। अब मुझे इन सबको कढ़ाई में डालना है, सॉटे करके इसका पेस्ट बनाना है और सारे मेरे बेस पे लगाना है। इसमें मैं सारे इंग्रेडिएंट्स डाल रहा हूँ। हाँ मेरे हाथ से चक चक्का 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 बस क्या वो सारे इंग्रेडिएंट्स डाल दिए मैंने। ये भुट्टा भी डाल दिया, तीनों ये जो स्ट्रीट स्ट्रीट में हम जरा बनाते हैं स्ट्रीट फूड उस हिसाब से मैं बना रहा हूँ इसको थोड़ा सा। अब इसमें टेस्टिंग के लिए मैं क्या करूँगा, तो अब इसमें मैं टेस्टिंग के लिए ऑरिगैनो तो ऊपर से डालूंगा, लेकिन मेयो, टमाटो केचप, मेयो के इंग्रेडिएंट डाल दिए। अब टेस्ट के लिए आई नो गाइस इट इज वेरी हार्ड RSF। अब टेस्ट के लिए इसके 2 चम्मच वेकेटी रेंड थोड़ा सा बचा के रखेंगे अभी जरूरत पड़ गई हमें, और इसे प्योरली हिलाते जाएंगे। यू नो आज शायद ये सॉस खत्म हो जाएगा। आई नो ये सॉस आज खत्म हो ही जाएगा, पर नहीं होना चाहिए। यू नो मैंने एक ड्रीम देखा था, ड्रीम मतलब सपना, हाँ वही एक सपना देखा था जिसमें मेरा जिम था और वो जिम पूरा ओपन था। हाँ ओपन। अब ये कलर पकड़ लिया है, मैं आपको दिखा सकता, अरे यार मैं आपको दिखा ही सकता हूँ, ये देखिए ओ काड़ी ओ मैने बाड़ी, ये देखिए पूरा कलर पकड़ लिया है। अब जबकि कलर पकड़ चुका है, गुरुजी मुकेश जी गहलोत ने कहा था कि जब जंक फूड कलर पकड़ ले तो उसे खाने का मजा ही कुछ और है। अब इसके अंदर मैं छोड़ूंगा थोड़ा सा नमक, मेरा हाथ पूरी तरह से जल चुका है। ये मेरा नमक, नमक डाला मैंने स्वाद अनुसार। बॉडी में 5000 mg यानी 5 ग्राम दिन का डेली सोडियम जाएगा तो भी चलेगा। आई वुड हैव बीन यूज्ड पिंक सॉल्ट पर क्या कर सकते हैं, काली मिर्च छोड़ दी मैंने। इसे अगर सूंघ लूं काली मिर्च को तो ठीक आ जाए। अम्मा डसन, अम्मा डसन। अब इसके अंदर जाएगा थोड़ा, नहीं ज्यादा मेयो। बिकॉज आई एम फैन ऑफ गुरुजी तामर जी, माय गॉड वेस्ट नहीं करना चाहिए हमें। ये यूट्यूब कैसा हो गया ना मालूम, बचपन में ना बचपन में हम लोग खाना बनाने के टाइम पे ऐसी आपस में बातें करते थे कि गाइस गाइस नहीं हाय आज मैं बना रहा हूँ ये, आपको ऐसा बनाना है वैसा बनाना है। तो अब ये यूट्यूब कुछ थोड़ा सा बचा है
ऑरिगेनो थोड़ा सा बचा है, मजा आ रही है बनाने में, कूल लग रहा है और अबून अपने आप से कूल लग रहा है। गुरु जी श्यामल जी मुकेश गहलोत ने कहा था दालू में ये वह रंग अच्छा आएगा, इसका नाम है कश्मीरी लाल मिर्च। यस आई एम टॉकिंग अबाउट कश्मीरी लाल मिर्च, ये बनेगा बेस पिज्ज़ा का। अब मुझे करना ये नहीं, खाली सिर्फ करना कुछ नहीं, खाली डो में डालना है और जपा जप पटापट बना देना है। अब अगर आप लोग चाहें तो इसे पास्ता में भी इसी बेस को यूज़ कर सकते हैं, और आप लोग चाहें तो कुरमुरा आता ना मुरमुरा वो डाल के भी आप लोग इसकी भेल बना के खा सकते हैं। ¡Gracias!
भाई, हम बोलते थे कि बॉटल नहीं, पाउच दे देंगे।